हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन विक्रम में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कूलर हमें कौन सा लेना चाहिए, प्लास्टिक का लेना चाहिए या लोहे का लेना चाहिए। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले कि प्लास्टिक कूलर की बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास ये एक प्लास्टिक कूलर है। इसकी प्लास्टिक की बॉडी है और इसका जो बेस है वो भी प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक कूलर के अंदर आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होता है कि इसमें लोहे का कोई भी पार्ट नहीं होता है, उस वजह से इसमें जंग नहीं लगता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये जो प्लास्टिक होती है उसमें जंग नहीं लगता है और ये ज़्यादा समय तक चलता है। बट अगर हम हवा की बात करें तो जो लोहे का जो कूलर होता है वो प्लास्टिक की कूलर से ज़्यादा कूलिंग हवा देता है, क्योंकि प्लास्टिक को ठंडा होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये जाली है, ये पानी को ठंडा करती है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और जो लोहा होता है वो हमारा जल्दी ठंडा हो जाता है, जैसे ही हवा अंदर खींचेगा ये फैन उधर से, तो ये जालियों में पानी टपकता है, उस कारण से ये ठंडी हवा जो बाहर की गर्म हवा है वो अंदर आके ठंडी हो जाएगी, फिर इधर से हमारे को यहाँ से ठंडी हवा मिलती है। तो जो लोहे का कूलर होता है उसमें ये जो बॉडी पूरी लोहे की बनी होती है तो वो क्या जल्दी ठंडी हो जाती है। तो वो ज़्यादा ठंडी हवा तो हमारे को जो लोहे का कूलर है वो ही देता है, लेकिन उसकी लाइफ जो है वो बहुत कम है और वो पानी भरा रहता है, जैसे कि पानी तो डालना ही पड़ता है कूलर में, तो उस वजह से क्या उसका जो बेस है वो ख़राब हो जाता है, उसमें जंग लगा जाता है, और प्लास्टिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मेंटेनेंस की बात करें तो प्लास्टिक के अंदर मतलब प्लास्टिक को अपने को यहाँ धूप में नहीं रख सकते हैं, या कहीं बाहर ले जाना हो तो उसको थोड़ा सावधानी पूर्वक ले जाना पड़ता है। और लोहे की बात करें तो आप प्लास्टिक धूप में भी रख सकते हो और उसको आसानी से कहीं उठा ले जा सकते हो, उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसको कहीं पे टच हो गया या कुछ भी हो गया तो पूरा प्लास्टिक टूट जाता है। और लोहे में ऐसा होता है कि अगर किसी कहीं पे टच हो गया या कुछ भी हो गया तो वो चद्दर बैंड हो जाएगी या वो और कुछ हो सकता है। देखिए, लोहे का जो कूलर होता है वो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है और प्लास्टिक जो होते हैं वो आवाज़ कम करते हैं। आप कभी भी देख लेना, लोहे का जो कूलर होता है वो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है और प्लास्टिक जो कूलर है वो आवाज़ कम करता है, क्योंकि लोहा जो है वो थोड़ा सा भी अगर वाइब्रेशन होगा तो उसके अंदर पूरा वो आवाज़ आने लग जाएगी, और प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है। अब जैसे जिसकी जैसी इच्छा है वो वैसा कूलर ले सकता है, जैसे कि कोई प्लास्टिक का भी लेता है, कोई लोहे का भी लेता है। तो अगर लॉन्ग टाइम चलाना है, अगर ज़्यादा समय तक चलाना है तो प्लास्टिक का अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें काट वगैरह नहीं लगता है, पानी के भरा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और लोहे में अगर ज़्यादा समय तक पानी भरा रहता है उसमें तो उसका जो बेस है वो ख़राब हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कूलर आपको लेना है, वो आपके हिसाब से है कि आप कौन सा ले। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक